जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का स्मार्टफोन्स बैटल्स के एक नए एपिसोड में, जहां पर दो स्मार्टफोन्स आपस में बैटल करते हैं और कोई एक विनर होता है। आज के हमारे कंपेटिटर्स हैं Google Pixel 6a वर्सेस Nothing Phone 1। जल्दी से मैच शुरू करते हैं। अच्छा, डिस्प्ले कैटेगरी से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। Google Pixel 6a में आपको 6.1 इंच का एक फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। आपको यहां पर कोई भी हाईर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। 429 का PPI, Corning Gorilla Glass 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन, HDR10 का सपोर्ट और 10 बिट के कलर्स। और यहां पर आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, फ्लैट डिस्प्ले है। Nothing Phone 1 में आपको 6.55 इंच का एक E5 LTPO वर्जन 2.0 AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच समिंग रेट, HDR10 प्लस का सपोर्ट, 10 बिट के कलर्स और यहां पर आपको 500 नीट्स का टिपिकल ब्राइटनेस और 1200 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा 402K PPI के साथ और Corning Gorilla Glass 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन होगा। और यहां पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, सिमेट्रिकल बेजल देखने को मिलेंगे, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि स्मार्टफोन बेजल लेस है, लेकिन वो बेजल लेस नहीं है, बेजल्स हर तरफ समान। That's why आपको ऐसा लग रहा है। डिस्प्ले कैटेगरी का क्लियर विनर है Nothing Phone 1, क्योंकि Nothing Phone 1 आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देता है Corning Gorilla Glass 5 के स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ और E5 LTPO वर्जन 2.0 AMOLED डिस्प्ले टाइप मिल जाता है। That's why कैमरास की कैटेगरी की बात कर लें तो Nothing Phone 1 में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो सोनी IMX766 के कैमरा सेंसर के साथ है, OIS का भी सपोर्ट है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो मैक्रो का भी काम कर लेता है, जो सैमसंग के JW1 सेंसर के साथ है। 16 का सेल्फी मिल जाता है सोनी IMX471 कैमरा सेंसर के साथ। Google Pixel 6a में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 12.2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी मिल जाता है। कैमरास के कैटेगरी का क्लियर विनर है Google Pixel 6a। हाँ, मुझे पता है तुम लोग जान के हैरान हो गए होगे, लेकिन यकीन मानो Google Pixel 6a बहुत बड़े बड़े फ्लैगशिप्स को भी टक्कर देता है। उसके कैमरास काफी फाड़ू है और Google के स्मार्टफोन्स का ये स्पेशलिटी होता है कि उनके कैमरास काफी फाड़ू होते हैं और यहाँ पर OIS का भी सपोर्ट मिल जाता है, टेंशन मत लो। परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात कर लें तो Google Pixel 6a में आपको टेंसर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसको सैमसंग ने बनाया है। ये गूगल का प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी में बेस्ड है और यहाँ पर आपको माली G78 MP20 का GPU मिल जाता है। अगर साधारण शब्दों में समझाऊं तो स्नैपड्रैगन 888 के आसपास का परफॉर्मेंस आपको दे देता है। वहीं Nothing Phone 1 की बात कर ले तो वहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 720 8G प्लस मिल जाता है, जो एक 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और वहां पर Adreno 642L का GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस कैटेगरी का क्लियर विनर है Nothing Phone 1। अब तुम लोग पूछोगे, भाई वो तो 888 के आसपास का परफॉर्मेंस देता है तो वो पीछे क्यों चला गया? अगर तुम लोगों को नहीं पता है, ये जो Google Pixel 6a है, जो प्रोसेसर इसमें है ना, Google Tensor, ये बहुत ज्यादा हीट कर रहा है। स्मार्टफोन को अगर नॉर्मली भी यूज करोगे इतना हीट करता है कि मत पूछो, और गेम खेलते वक्त बहुत ज्यादा लैग आपको दिखाई देगा। मैं आपको स्क्रीन पे प्रूफ भी दिखा दूंगा, देख लेना। तो ये परफॉर्मेंस वाइज तो आपको बहुत ही बड़े बड़े स्पेक्स ही देता है, लेकिन रियलिटी में डे टू डे लाइफ में इतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। वहीं 778G प्लस को देखोगे तो काफी स्टेबल है, ठंडा है और हर टास्क को इजीली हैंडल करता है। स्नैपड्रैगन 870 के आसपास का परफॉर्मेंस दे देता है, मिड रेंज फ्लैगशिप प्रोसेसर है और स्टेबल है। तो इसी वजह से Nothing Phone 1 यहां पर क्लियर विनर बनता है। मेन स्पेसिफिकेशंस के कैटेगरी की बात कर लें तो Google Pixel 6a में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 3.1 का शोई सपोर्ट, LPDDR5 RAM टाइप और 4410 mAh बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा। 18 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं रहेगा। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स। 3 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, 5 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिल जाएंगे। वाईफाई 6E भी है, NFC भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 भी है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, 2 माइक आपको देखने को मिल जाएंगे, सैटी वीसी लिक्विड कूलिंग नहीं है। Nothing Phone 1 में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 3.1 का शोई सपोर्ट, LPDDR5 RAM टाइप, 4500 mAh बैटरी, 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और चार्जर बॉक्स में नहीं रहेगा। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स जो Nothing OS पे रन करेगा, जो स्टॉक Android के काफी करीब में है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 को सपोर्ट करता है, Wi-Fi 6 को भी और NFC को भी, और VC लिक्विड कूलिंग भी आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा और 3 माइक है और यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। जनता माफ नहीं करेगी। मेन स्पेसिफिकेशंस के कैटेगरी का क्लियर विनर है Google Pixel 6a, क्योंकि वो आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर से देता है, स्टॉक एंड्रॉइड पे है, 5 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे, दैट्स व्हाई वो विनर है। डिजाइन और बिल्ड कैटेगरी की बात कर ले तो Nothing Phone 1 आता है ग्लास बॉडी के साथ, एल्युमिनियम फ्रेम मिल जाता है और आगे Corning Gorilla Glass 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। वहीं Google Pixel 6a आता है ग्लास्टिक बैक के साथ, मतलब कि प्लास्टिक थोड़ा सा यूज किया, थोड़ा सा ग्लास यूज किया, दोनों को मिक्सचर करके एक नया मटेरियल क्रिएट किया है। ऐसे बैक वाले फोन सैमसंग भी बना चुका है, अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में यूज करता है वो। तो यार यहाँ पर आपको पूरा प्लास्टिक बैक देखने को नहीं मिलता है, जिसमें ग्लास भी यूज किया गया है और एल्युमिनियम फ्रेम आपको देखने को मिल जाएगा, Corning Gorilla Glass 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। डिजाइन वाइज देखोगे तो दोनों स्मार्टफोन्स का
का अपना अपना रॉयलिटी है डिजाइन वाइज। गूगल पिक्सल 6a का डिजाइन भी काफी अच्छा है, क्लासिक है, गूगल का सिग्नेचर डिजाइन है, वो देखने में काफी अच्छा लगता है। नथिंग फोन 1 को देखोगे तो वो भी काफी अच्छा लगता है, ग्लिम्प लाइट आपको देखने को मिल जाता है, जो पैटर्न वगैरह बने वो तो डिजाइन वाइज देखने में काफी अच्छा लगेगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गूगल पिक्सल 6a देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। कहा ना, दोनों स्मार्टफोन्स का अपना अपना रॉयलिटी है डिजाइन वाइज देखोगे तो। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है। नथिंग फोन 1 IP53 की रेटिंग के साथ आता है, जबकि गूगल पिक्सल 6a IP67 की रेटिंग के साथ आता है। तो भाई रेटिंग्स यहां पर काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राइस कैटेगरी की बात कर लें तो नथिंग फोन 1 का बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 33,000 रुपीस, और गूगल पिक्सल 6a का बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 44,000 रुपीस। तो प्राइस कैटेगरी का क्लियर मिरर है नथिंग फोन 1। चलो यारो, अब विनर की बात कर लेते हैं कि भैया दोनों स्मार्टफोन में बेस्ट कौन है, कौन अपने को सबसे अच्छा वैल्यू दे देता है। देखो यारो, अगर आपको एक बैलेंस फोन चाहिए जहां पर आपको कैमरास भी बहुत अच्छा चाहिए, UI भी काफी अच्छा हो, देखने में भी अच्छा हो, बिल्ड भी काफी ऑसम हो और कम पैसों में आ जाए, तो आप नथिंग फोन 1 की तरफ जाओ, क्योंकि आपको वो कैमरास भी अच्छा देता है और 33,000 रुपए में अवेलेबल है, और स्टॉक एंड्रॉइड भी आपको दे देता है और काफी अच्छे अच्छे आपको वहां पर चीजें देखने को मिल जाती है, बताया तो हूं वीडियो में। लेकिन जिन लोगों को कैमरास काफी अच्छे चाहिए, एक बहुत ही अच्छे महंगे ब्रांड को वो लेना चाहते हैं, तो गूगल पिक्सल 6a उनके लिए बना हुआ है। लेकिन हमारे कंपैरिजन का विनर है नथिंग फोन 1, क्योंकि उसका प्राइस काफी अच्छा है अगर गूगल पिक्सल 6a से कंपेयर करोगे, तो इसी वजह से वो विन हो जाता है, क्योंकि वो 33,000 रुपए में अपने को बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता है, जो गूगल पिक्सल 6a अपने को 44,000 रुपए में देता है, समझ गए ना। तो 10,000 रुपए का यहां पर डिफरेंट देखने को मिल जाएगा आपको। वैसे आप बताना दोनों में से आपको क्या लगता है, कौन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।